खबर बड़वानी से। शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन की कार्रवाई। वेल्डिंग दुकान से 18 ऑक्सीजन सिलेंडर किए जब्त। एसडीएम बोले कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी। बढ़ते कोरोना को लेकर जहां प्रशासन मास्क और सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पहल करवा रही, वहीं ऑक्सीजन को लेकर भी आज प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसके चलते आज जिला मुख्यालय पर वेल्डिंग दुकान पर कार्रवाई करते हुए 18 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। एसडीएम के अनुसार बार बार मिल रही शिकायतों के बाद जब वेल्डिंग दुकान संचालक से ऑक्सीजन सिलेंडर ग्राहक बनकर मांगा गया तो उसने उपलब्ध करवाने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए तत्काल 18 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। हालांकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से एसडीएम ने इनकार किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑक्सीजन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। शहर में एक गैस वेंडिंग की दुकान पर अवैध रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने की शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी, जिसका फिर हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि वहाँ पे कई लगभग 18 सिलेंडर पड़े रखे हुए थे। साथ ही हम लोगों ने फोन पे भी बात की थी कि हमको प्राइवेट व्यक्ति बन के बात की थी और उसमें हमने मांग की थी कि ऑक्सीजन की हमको जरूरत है, आप उपलब्ध करा सकते हैं, तो उन्होंने उसमें हाँ भी किया था। उसी को देखते हुए कार्रवाई की गई है और 18 सिलेंडर बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन के जब्त किए। सर और भी कार्य चले गए? और भी है, जहाँ पर भी और भी जगह की हमको शिकायत मिली हुई है कि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, तो जहाँ भी ऐसी शिकायत है और जांच के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर नगर में अभी ऑक्सीजन की कमी है क्या? अभी सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेकर कमी आ रही थी, तो जिसकी हमने दूसरी हॉस्पिटल से समन्वय स्थापित करके सिलेंडर बुलवा लिए हैं। वर्तमान में ऐसी कोई कमी नहीं है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।